थे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर दुख से दिलाएगा मुक्ति, और इसीलिए आपको बता रहे हैं हनुमान चालीसा के दोहों का अर्थ। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। सहस वदन तुम रोज सगावे, असकै श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगाकर, अपने गले से लगाकर, अपनी बाहों में भरकर कहा कि हे हनुमान, आपका यश बहुत अधिक बढ़ने वाला है, हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री स नंदन, श्री स नत्य कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, मां सरस्वती जी, शेषनाग जी, सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिकपाल जहां ते, कवि कोविद कई सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। मृत्यु के देवता यम, धन के देवता कुबेर, दशो दिशाओं के रक्षक अर्थात दिकपाल, सभी आपके यश का गुणगान करने में है समर्थ है। ऐसे में कवि और विद्वान कैसे आपकी कीर्ति का वर्णन कर सकते हैं। आपने तो भगवान राम से मिलाकर सुग्रीव कर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें उनका राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानू। आपकी बात को मानकर ही विभीषण लंका का राजा बना, समस्त जग इस बारे में जानता है। जो सूरज यहां से सहस्त्र योजन की दूरी पर है, जिस तक पहुंचने में हजारों युग लग जाते हैं, उस सूरज को आपने एक मीठा फल समझकर अपने मुख में निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलदि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसमें कोई अचरज नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है कि आपने भगवान श्री राम की अंगूठी को मुख में रखकर समुद्र को लांग लिया। इस संसार में जितने भी मुश्किल माने जाने वाले कार्य हैं, आपकी कृपा से सब आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बीन पसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो भगवान श्री राम के द्वार पर आप रक्षक की तरह तैनात हैं, इसलिए आपकी अनुमति, आपकी आज्ञा के बगैर भगवान श्री राम तक पहुंचा नहीं जा सकता है। तमाम तरह के जो सुख है वो आपकी शरण में है, इसलिए जिसके रक्षक आप स्वयं हो जाते हैं, उसे किसी तरह के डरने की आवश्यकता नहीं है। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हे बजरंग बली, हे महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हैं। आपकी जो ललकार है उससे तीनों लोक कांपते हैं। हे महावीर, जहां भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाच के पास फटकने की औकात भी नहीं होती है, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। तो हे वीर हनुमान, जो निरंतर आपके नाम का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, उनके सारे रोग कष्ट नष्ट हो जाते हैं, आप उनके सभी दर्दों को हर लेते हैं। मन से, वचन से, कर्म से जो भी प्राणी आपका ध्यान लगाता है, आप उस प्राणी के हर संकट से उसको मुक्ति दिला देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पाए।
तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने उनके सभी कार्य सहजता से पूरे किए। जो कोई भी अपने मन की इच्छा सच्चे मन से आपके समक्ष रखता है वो अनंत और असीम जीवन का फल प्राप्त करता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। साधु संतों के रखवाले हो, असुरों का विनाश करने वाले भगवान श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। इसीलिए तो श्री राम को प्रसन्न करने के लिए लोग आपसे रिश्ता बनाते हैं। कोई आपको अपना सखा कहता है तो कोई आपको अपना भाई बनाता है तो कोई अपना आपको अपना बेटा बनाता है। ये रिश्ता ही तो है प्रभु से भक्त का। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो हे श्री हनुमान जी महाराज, जानकी यानी सीता मैया ने आपको वरदान दिया है जिससे आप आठों निधियां, आठों सिद्धियां और नौ निधियां उसके आप मालिक बन गए। किसी को भी आप प्रदान कर सकते हैं। आपके पास में राम नाम का एक रसायन है। आप सदा से भगवान श्री राम के सेवक बने रहे हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत्यकाल रघुबर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाए। आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, दुख जो है वो मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ में जाया जा सकता है, जहां पर जन्म लेने मात्र से ही हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चितना धरी, हनुमत से ही सब सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब आपकी सेवा आपके स्मरण मात्र से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं तो फिर और देवताओं में ध्यान लगाने की जरूरत कहाँ है। तो हे वीर हनुमान, जो कोई भी आपके नाम का स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख सारी तकलीफें मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सदबार पाठ कर होए, छोटी बंदी महासुख होए। तो हे भक्तों के रक्षक स्वामी श्री हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव की तरह कृपा करें। जो कोई भी 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके सारे बंधन सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, महासुख की प्राप्ति होती है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती। जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूर्ण होंगी, सिद्धियां प्राप्त होंगी। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान हैं। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे सदा भगवान श्री राम के सेवक रहे हैं, इसलिए हे स्वामी आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवंथ ने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हरदव बसौ सुरभु सियावर रामचंद्र। हे पवनसुत, हे संकटों को हरने वाले संकट मोचन, हे कल्याणकारी, हे देवराज, आप भगवान श्री राम माता सीता श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में भी निवास करें। इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण हुआ। तो हनुमान जी महाराज विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं, अतुलनीय बली हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वानों के शिरोमणि हैं, शौर्य के महासागर हैं, कामरूप हैं, हृदय की भाषा में बोलने वाले ओजस्वी वक्ता हैं, सच्चे सेवक हैं। हनुमान चालीसा और संकट मोचन हनुमाष्टक का नियमित रूप से पाठ सर्व सिद्धि दायक रहता है। तो आज हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का श्रवण अवश्य कीजिएगा, सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पे भगवान श्री राम सीता मैया के साथ साथ हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहेगा। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हनुमान चालीसा का अर्थ बताने के लिए सभी दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री।
तो दर्शकों आप सभी से सोमवार से शुक्रवार आप सभी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के हल। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।